हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए वापस एक प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लेके आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो पेपर्स आपको दिया था, कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे कहा है कि मैम हिंदी में बताइए, इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पर्सन इन हिंदी लैंग्वेज। तो मैं आपको आज हिंदी लैंग्वेज में भी वो पेपर्स देने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है आप सबको पता है यहाँ पे। और एक स्टूडेंट ने ये भी कमेंट किया है कि मैम ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, सबसे पहले मतलब इम्पोर्टेंस हम किसको दे सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लेटर पे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि जो ऐसे राइटिंग होता है ना, वो ऐसे राइटिंग पे कैसा हो जाता है कि वो पूरा ऐसे टाइप हो जाता है, पैराग्राफ टाइप हो जाता है। पैराग्राफ टाइप में कैसे होता है कि चाहे मैं एग्ज़ामिनर हूँ, चाहे कोई भी एग्ज़ामिनर यहाँ पर होता है, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं बता सकती हूँ, जो पैराग्राफ टाइप होता है उसको हम बहुत ही कम रीड करते हैं। ठीक है, वैसे ये आपका एग्ज़ाम है तो इसमें पूरा ए टू जेड पूरा लाइन टू लाइन रीडिंग किया जाएगा, पर ये है कि पैराग्राफ चीज़ों पे हमें पता है कि बहुत ही कम मार्क्स उसमें कट कट के मिलते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग लेटर पे ज़्यादा फोकस दीजिए, इसलिए क्योंकि लेटर्स के बहुत सारे स्टेप हैं, आपके हर एक स्टेप पर नंबर रखा गया। अगर आपने ये स्टेप राइट लिखा तो इस पर नंबर अलग से मिलेगा, ये स्टेप आपने लिखा इस पर नंबर अलग से मिलेगा। तो मेरा मानना है आप लोग लेटर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ऐसे राइटिंग पे कम फोकस कीजिए। ठीक है, और डिपेंड्स होता है, कभी कभी ऐसे राइटिंग बहुत अच्छा आ जाता है, जैसे स्वच्छ भारत पे, अगर स्वच्छ भारत अभियान पे हमारा ऐसे राइटिंग आ गया। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लेटर्स में लिखना है और ऐसे राइटिंग में लिखना है। तो मैं उस पर ये वीडियो एक बनाने वाली हूँ। आज ही मैं आपको देखा जाए तो पूरा एसएससी एमटीएस का पूरा प्रोसेस, जो टायर सेकेंड का, सब कुछ बता दूँगी। शाम तक मैं आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। एसएससी एमटीएस का लेटर में क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा क्या क्या चीज़ों को आपको फोकस देना कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले और आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो प्लीज़ आज मेरे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं, प्लीज़ आप सबको यहाँ पे देखना है वीडियोस को, वो सारा वीडियोस देखिए, वन वीक आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए लेटेस्ट सारे जो भी गवर्नमेंट के सारे वैकेंसी होते हैं, लेटेस्ट न्यू सारे ये आपके लिए लेके आता है। फर्स्ट टू फर्स्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि फर्स्ट टू फर्स्ट स्टूडेंट तक पहुंचा सके ये स्मार्ट नौकरी चैनल। तो प्लीज़ अगर किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो हमारे स्मार्ट नौकरी के चैनल पर। तो चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं टायर टू का, और आज मैं आपको हिंदी में दिखाने वाली हूँ कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो ये है आपका हिंदी पेपर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देती हूँ, आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैंने हिंदी में भी आपके लिए लेके आया है यहाँ पे, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे देखना है। शिक्षा और जीवन, बरसात का मौसम, मोबाइल फ़ोन, क्रिकेट मैच, एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारियाँ, तो ये आपका निबंध है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि निबंध में भी ऐसे क्या क्या चीज़ों पे बहुत फोकस देना, कौन से पॉइंट पे फोकस देना कि किस तरीके से पैराग्राफ में लिखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। हम वो बच्चे वाले अभी ऐसे राइटिंग नहीं लिखना है हमें, जो हम स्कूल में किस तरीके से लिखते टीचर्स हमें नंबर दे देती थी। ये आपका स्कूल सेक्शन है, ये गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब को आप सबको पता है यहाँ पर हमें नंबर लेके आना है, अच्छे तरीके स्टेप फॉलो करना है। तो आज मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी, दो तीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देने के बाद एक वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाली, जिसमें हर एक स्टेप बताने वाली कि ऐसे में क्या क्या चीज़ों पर फोकस देना है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले, सिर्फ वही सब पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, लेटर राइटिंग में भी कहाँ कहाँ पे फोकस देना है, जिस पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे वही आपको प्रैक्टिस करना है। चलो अभी हम लेटर राइटिंग के देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका लेटर राइटिंग का क्वेश्चंस है। फर्स्ट है, कॉलेज पुस्तकालय के लिए नई कहानी पुस्तकों को पाने के लिए एक लाइब्रेरियन को पत्र। देखा फ्रेंड, इस तरीके से घुमा के थोड़ा ट्रिकी टाइप पे थोड़ा हार्ड लेटर यहाँ पे दिया जाता है, बट मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगी और क्या इसमें लेटर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हर बार पूछा जाता है, और वो तो आपको पढ़ के जाना ही है। ठीक है, आपके पिताजी को दोस्तों से जयपुर जाने की अनुमति मांगी गई पत्र। अपने दोस्तों को ग्रीटिंग की गर्मी की छुट्टी
खर्च करने के लिए उसे आमंत्रित करें। समय पर अपना बिजली बिल न मिलने के बारे में क्षेत्रीय इलेक्ट्रीशियन अधिकारी को पत्र, बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में संपादक को पत्र। अब देखो ये थोड़ा सा हार्ड है, वैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने एक अच्छे सा वीडियो में लेने वाली हूँ यहाँ पे, अच्छे तरीके से आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ों पर आपको फोकस देना है, क्या नहीं करना, तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगी सब चीज़ों का कि क्या चीज़ें यहाँ पे हार्ड होती है, इस पर वो लेटर आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ पे बताऊँगी कौन सा आसान है, जो आप लिखो जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। आप पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर यहाँ पे पूरा दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने बैठ जाइए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको भी यही टाइप तरीका आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।